हाय गाइस, विश यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. दिस मी आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं. इसके अलावा सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं. तो उसी सीरीज़ में दिस इज 30 अप्रैल, सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन, और बहुत करीब हैं हम लॉकडाउन खुलने के. तो बिल्कुल अब जो न्यूज़ देखने को मिलती है आपको, या जो न्यूज़ हम पिछले दिनों देख रहे हैं, वो टोटली कोरिलेट करती है कहीं ना कहीं लॉकडाउन से, है ना. तो उसी सीरीज़ में आज हम पहला न्यूज़ जो देखेंगे, पहली न्यूज़ है, इंडिया रिपोर्ट 70 डेथ्स, हाईएस्ट इन अ सिंगल डे. इंडिया के अंदर 70 डेथ एक ही दिन के अंदर रिपोर्ट की गई है, और अब तक की रिपोर्ट की जाने वाली हाईएस्ट डेथ रेट से डेथ केसेस हैं, ठीक है. और अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें कि एक्टिव केसेस की अगर बात करें, तो 22,982 एक्टिव केसेस हैं. इसके अलावा जो डेटा है वो 32,000 प्लस पे पहुंच चुका है आज के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो ये आज की न्यूज़ थी, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी. एंड व्हाट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, या हम कह सकते हैं हाईएस्ट जो है क्या मेजर्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि डेथ रेट्स कम हो सके, ठीक है. अब हम बात करेंगे कि पंजाब ने एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का निर्णय लिया है. ये मैं आपको बता देती हूँ किस लिए लिया गया है. पंजाब और हरियाणा दोनों ही जो स्टेट्स हैं, इनकी कंडीशन काफ़ी कोविड-19 के मामले में काफ़ी हॉटस्पॉट एरियाज़ के अंदर आ रहे हैं ये, और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए. वहाँ की गवर्नमेंट्स पूरा ट्राई कर रही है कि कैसे भी करके कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने से बचाया जा सके, ठीक है. तो पंजाब जो है, वेंसडे को पंजाब की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है दैट दे आर गोइंग टू टेक अवे दी लॉकडाउन, ओके, आई मीन एक्सटेंड दी लॉकडाउन. नाउ एक बहुत बड़ी खबर है ये कल की, और डेफिनेटली आप सभी को पता है, और काफ़ी, क्योंकि मैंने कल सोशल मीडिया ले लो या जनरली हर जगह पे मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना और देखा है, और काफ़ी शॉकिंग न्यूज़, मेरे पर्सनली मेरे लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज इरफान खान सर का जाना, इट मीन्स एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि एक ऐसी पर्सनालिटी का चले जाना जो अनबिलीवेबल है कि चलो वो चले गए हैं. ये मैं अब तक इस बात को यकीन नहीं कर पा रही हूँ. सो इट इज़ फाइनली एक्सेप्टेड दैट द पर्सनालिटी इन होल एंड पार्ट सर्वाइवर्स डेथ, ओके. आई बिलीव दैट इट विल बी देन सच बिलीफ विल बी कंसिडर्ड एज मॉडर्न एज अ बिलीफ इन स्पेस शिप्स एंड रॉकेट्स. डेफिनेटली इट इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी, और ठीक है, अब ये एक ट्रुथ है जिसे एक्सेप्ट करना होता है, बिकॉज सभी करते हैं, सभी को करना होता है. तो अल्टीमेटली एक पर्सन जो कि बिल्कुल बहुत रेयर टैलेंट जिसमें देखने को मिलता है, उनमें से एक थे इरफान खान सर. इनके अंदर जो एक्टिंग का टैलेंट देखने को मिला, इनके अंदर दूसरे और भी टैलेंट जो देखने को मिले, इवन सिनेमा और थिएटर को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने का काम किया इन्होंने. आज की डेट में ऐसे एक्टर्स का होना एक बहुत बड़ी बात है, जो विदाउट एनी यू नो सॉन्ग्स एंड डांस, इसके अलावा उनकी मूवीज़ जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है. तो ऐसी चीज़ें बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलती हैं, है ना. वही जो है इनके बारे में बताया गया है, और अभी रिसेंटली आई थिंक सम कोई मूवी भी है इनकी जो अभी न्यूज़ में है, अब रिलीज होगी, अब आएगी वो, है ना. तो विदाउट प्रमोशंस ही इन्हें यहाँ से रुखसत होना पड़ा. कोई बात नहीं, ठीक है, लाइफ वर्ल्ड है, लाइफ है, चलती रहती है, और डेफिनेटली वी हैव टू गो बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें फैक्ट होती है ना. हाँ ठीक है, अनबिलीवेबल होती है, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड जो लोग होते हैं ना, उनकी सख्त ज़रूरत होती है हमें, और उसके बाद उनका चला जाना हमारे लिए थोड़ा सा एक you know, उसकी बात हो जाती है. ठीक है, कोई बात नहीं. अब लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, कि ये कौन से जो है अवार्ड्स विनर हैं, या कौन सी मूवीज़ के लिए टॉप पे रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है. इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है आज की, वो है हरियाणा दिल्ली बॉर्डर सील टू कर्ब कोविड-19 स्प्रेड. हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर की, दिल्ली की बॉर्डर को सील किया जा रहा है जिससे कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोका जा सके,
ठीक है, तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। फरीदा एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बार्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल इन डिस्ट्रिक्ट, इवन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है उसे रोक दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं COVID-19 के लिए, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि सारे COVID-19 से रिलेटेड मैक्सिमम केसेस आपको देखने को मिलेंगे। व्हेन यू विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स यू विल लेट दैट बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको COVID-19 से रिलेटेड देखने को मिलेगी और आपको पढ़ना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, है ना। एक डेटा मेरे अकॉर्डिंग टू मी एक डेटा आपको रेडी कर देना चाहिए जिसके अंदर आप COVID-19 से रिलेटेड सारा, मैं ये नहीं कह रही एक दिन में कितने मर रहे हैं, दो दिन में कितने, ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको सिर्फ मेजर डेटास के इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हो रहे हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या देखने को मिल रहे हैं या पॉजिटिव पॉलिटिकल क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इकोनॉमिकल क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या मेजर डिसीजन लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एक जो है पूरा डेटा मेंटेन कर लेना चाहिए बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट आंसर इन मेंस। ओके, इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स भी अटेम्प्ट करते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन COVID-19 से एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज की एडिटोरियल सेक्शन की। तो देखिए, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। ओके, इंडिया इज़ नाउ फोर्स टू रिजर्व इट्स हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। मैं आपको इन शॉर्ट डिस्कशन करूँगी इन आर्टिकल्स के साथ में कि इंडिया जो है अब ऐसे स्ट्रैटेजीज, देखिए ऐसा कंडीशन है हमारे देश में भी, ऐसी कंडीशन है जिसके तहत हम लोग जो भी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रही है। हमने बहुत सारे जो है हमने ऐसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया जिसके अंदर कुछ जो है जो हमारे जो कह सकते हैं पेशेंट्स है या जिनके जिस पर हमें डाउट है कि हाँ इनको कोरोना हो सकता है, ऐसे लोगों को भी हमने पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और टेस्ट प्रोवाइड करवाई, ये सारी फैसिलिटीज़ हमने दी। लेकिन अब क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो पॉसिबल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ना होने के कारण या और भी कई सारे रीजंस के कारण, क्योंकि देखिए COVID-19 ऐसा वायरस है, ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम नहीं कह सकते कि इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स भी अब तक क्लियर नहीं हो पाए, है ना। तो जिस कंडीशन में इसके सिम्टम्स क्लियर नहीं है या हम कह सकते हैं डेज ऑफ साइंस जो है वो भी क्लियर नहीं है या क्या क्या साइंस कब कब नज़र आएंगे ये भी क्लियर नहीं है या रिकवरी को लेकर भी डाउट्स हैं, तो जब कुछ भी क्लियर नहीं है उस कंडीशन में आपको हर पेशेंट को ट्रीट करना, हर एक पर्टिकुलर सेकंड इंडिविजुअल सिटीजन को ट्रीट करना काफ़ी हद तक जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, इम्पॉसिबल प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन में इंडिया ने एक डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि अब हम सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी उन्हीं को प्रोवाइड करवाएंगे जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। March 28th को 130 डिस्ट्रिक्ट्स में से इंडिया के करीब 736 जो है COVID-19 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, है ना। हेल्थ मिनिस्ट्री की स्ट्रेटजी थी कि अगले नेशनल लॉकडाउन जो चल रहा है उसके बाद में हम ये इंश्योर करेंगे कि किसके अंदर ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और कौन हाई रिस्क पर है, है ना, जिससे कि कांटेक्ट में आने से या जो ट्रैवल हिस्ट्री रख चुका है, ये सारी चीज़ें ये हाई रिस्क पर होने पर या उसके अंदर कोई हाई सिम्टम्स दिखाई देने पर ही उसे क्वारंटाइन किया जाएगा या और कुछ जो है फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी या उसके ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी। अदरवाइज अगर आप में माइनर सिम्टम्स हैं या फिर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो इस कंडीशन में और आपको खतरा है या आपको ऐसा डाउट है कि यू आर सफरिंग विद COVID-19, देन आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, स्टेट क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे साइन, क्योंकि ये एक ऐसा जो है हम कह सकते हैं पेंडेमिक है जिसके साइंस क्लियर नहीं है, है ना, इसके धीरे धीरे साइंस नज़र आते हैं। तो इस आर्टिकल में आज यही बताया गया है कि एक जो है अब ये स्ट्रेटजी जो है चेंज कर दी गई है सरकार द्वारा कि हम आने वाले टाइम में अब से उन केसेस को ही कंसिडर करेंगे जो हाई रिस्क पर हैं, है ना। वैसे तो हम लोगों ने पहले ही आज से जब हमें पता चला था उससे एक महीने पहले ही हमने बहुत सारी प्रिपरेशन कर दी थी,
हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग, बेड्स के रिगार्डिंग, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, वेंटिलेटर्स के रिगार्डिंग, सारी हमने सारी प्रिपरेशन हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स या हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी थी सारी चीज़ें। लेकिन अब क्योंकि जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं या जिन पे हाई जिनके अंदर हाई रिस्क सिम्टम्स हैं या तो उन लोगों को साथ में रखने से हॉस्पिटल्स में ये एक सामने आ रही है, जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उन लोगों से जिनमें नहीं है या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो COVID-19 उनको नहीं है, उनमें भी स्प्रेड हो रहे हैं, है ना, वायरस। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता चला जाएगा, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जिनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन, उन्हीं के होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटलाइज करके नहीं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि जो हाई सिम्टमाइज्ड लोग हैं उन्हीं को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि श्योरिटी है कि हाँ इनको COVID-19 है और इनकी जान को खतरा है, तो उस कंडीशन में उन्हें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, यही आर्टिकल, ये आर्टिकल इसी को शो कर रहा है कि इस तरीके से देखते हैं। अब ये देखिए, जो बात करें हम गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली आर पावर्ड पावरिंग द स्प्रेड ऑफ केसेस एंड ओनली कंसिस्टेंट डिक्लाइंस हेयर कैन ब्रॉच डिस्कशन ऑन द एंड ऑफ पेंडेमिक। फ्रॉम अ मंथ अगो इंडिया ऑन पेपर इज इक्विप्ड विथ बेटर सप्लाई चैनल्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब जगहों को अगर ले लेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली केसेस जो है बहुत स्पीड में पावर अप होकर स्प्रेड हो रहे हैं, है ना। इस कंडीशन में और इससे पहले, एक महीने पहले की बात है, सरकार ने एक महीने पहले ही, मैंने आपको बताया कि ये अरेंजमेंट्स कर दिए हैं और कई सरकारों या कई जगहों पर तो ऑन पेपर अरेंजमेंट्स हुए हैं कि भाई हमने जो है वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन ये सब प्रोवाइड करवा दिए हैं, ये सारी चीज़ें, टेस्टिंग किट्स जो है, PCR किट्स जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट टू द, हम कह सकते हैं जो भी हमारे जो COVID-19 से सफ़र कर रहे हैं मरीज़ हैं उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, इफ़ द लॉकडाउन इज़ शिफ्टेड ऑन May 3rd, अगर लॉकडाउन May 3rd को शिफ्ट हो जाता है, द रैशनल बिहाइंड द गवर्नमेंट्स कंटेनमेंट स्ट्रेटजी विल पुट टू अ स्ट्रिंगेंट टेस्ट। तो इस तरीके से ये जो जो स्ट्रेटजी ली गई है सरकार द्वारा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट के रूप में उभर कर आएगी, बिकॉज देखना ये होगा कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। कहीं ऐसा ना हो कि माइल्ड जो सिम्टम्स वाले लोग हैं उनको या जो असिम्टम्स जो दिखाई दे रहे हैं उन सबको, कहीं ऐसा ना हो कि हमें अवॉइड करने से ये चीज़ फैल जाए, स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, ये एक देखने की बात है कि स्ट्रेटजी शिफ्ट करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ वी स्टिल डोंट नो अबाउट COVID-19। वी आर नॉट 100% श्योर वॉट COVID-19 इज़ एंड वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ इट, वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ इट, एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स, टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू गो थ्रू दी अदर स्ट्रैटेजीज और अदर सर्कमस्टेंसेज सो दैट वी कैन ओवरकम विथ ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो हम न्यूज़ देख रहे हैं वो है प्रेजिडेंट अंडर प्रोब। मैं आपको बता दूँ, बोल्सोनारो जो हैं ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, वो हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस तो सारे ही देश की जो है सारे ही देश झेल रहे हैं, वे ग्लोबली सारी कंट्रीज इसको फेस कर रही है, इकोनॉमिक और हेल्थ क्राइसिस को। लेकिन बोल्सोनारो जो है प्रेसिडेंट ब्राज़ील के, वो और भी ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल प्रेशर को सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जेयर बोल्सोनारो जो है उनका एक डिसीज़न लिया गया उनके द्वारा कि कंट्री के फेडरल पुलिस चीफ जो है उसे जो हटा दिया, उसे पद से हटा देने का डिसीज़न था, और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं, उल्टा बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मोरो वन टाइम बोल्सोनारो जो है उनके द्वारा एक डिसीज़न लिया गया था कि जस्टिस मिनिस्टर मोरो को हटा देने का, है ना। तो उससे वैसे उन्होंने ये डिसीज़न लिया था कि वो इस मामले में अपना इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन उसके बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया। तो मोरो और हम कह सकते हैं जो
और भी इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं जिन्हें अपने पद से हटाया गया है, तो इसको लेकर, स्पेशली मोरो को लेकर, मोरो एक देखिए पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग पर्सन है, पॉलिटिकली उसको बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसके मिनिस्ट्री बहुत सपोर्ट करती है वहाँ की, तो उसी को लेते ले देख मद्देनज़र रखते हुए मोरो के ऊपर, देखिए मोरो के ऊपर पहले भी एक केस दर्ज हो रखा है, ऐसे डाउट हो रखे हैं कि पहले जो प्रेजिडेंट थे उनको भी अपने पद से हटाने में, उनके लिए जो डिसीजन दिया गया था, इंपॉर्टेंट जजमेंट जो दिया गया था, उसी में भी इसी मोरो का हाथ था। इसको मद्देनज़र रखते हुए और भी कई जो इश्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बोल्सोनारो जो कि वहाँ के ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, और प्रस्ताव पारित नहीं, इवन डिसीजन दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया। इससे वहाँ की जो पॉलिटिकल पावर है वो पूरी अगेंस्ट हो गई है बोल्सोनारो के। सो अब देखने की बात है कि एक प्रेसिडेंट किस तरीके से ओवरकम करता है अपने ही कंट्री की पॉलिटिकल पावर से, जबकि वो भी पॉलिटिकल हेड होता है, लेकिन वो उसे पॉलिटिकली एक डिफरेंट कर दिया जाए, एक दरकिनार करके पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अगर एक साथ एकजुट हो जाता है तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट को उस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है ना। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन टुवर्ड्स इट। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है अफगान पीस एंड इंडियाज़ एल्बो रूम। अब आपको बता देती हूँ, अफगानिस्तान में जो है शांति स्थापित करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें इंडिया को शामिल नहीं किया गया। इस मंथ के शुरुआत में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट के अंदर एक के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी या बुलाई गई थी 6+2+1 के ग्रुप्स की, है ना, जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर शांति स्थापना के लिए, रीजनल एफर्ट्स के को सपोर्ट करने के लिए, शांति स्थापना के लिए हम कह सकते हैं, ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसके अंदर 6 नेबरिंग कंट्रीज इकट्ठी हुई थी जिसके अंदर चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब इकट्ठे हुए थे, है ना। इसके अलावा रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स भी इसके पार्ट थे और अफगानिस्तान भी थे। तो इसी तरीके से 6 कंट्रीज़ मैंने आपको बताया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। इसके अलावा 2 जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, मतलब US एंड रशिया, एंड 1 इज़ अफगानिस्तान इटसेल्फ। ओके, तो इस तरीके से इन सब ने मिलकर मीटिंग की, लेकिन इसमें इंडिया को इन्वॉल्व नहीं किया गया, है ना। तो ये एक क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जाता है कि इंडिया को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया। तो जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया से रिलेटेड इस न्यूज़ की क्या पोजीशन है, या हमारा जो है इस मीटिंग के अंदर हमें क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें इस आर्टिकल को पढ़ने से समझ में आएगी, लेकिन बहुत सिंपल आर्टिकल है, एज़ पूरा स्टोरी शो किया है कि अभी तक कितने ऐसे जो है इंसिडेंट्स हुए हैं और कितने आने के होने की संभावना है, जो हो रहे हैं उसका कारण क्या है, है ना। तो ये जब आप आर्टिकल रीड करेंगे तो आपको ईजीली सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए। ये देखिए मैंने आपसे इसलिए शॉर्ट में ये आर्टिकल डिस्कस किया है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये अफगान वाला और प्रेसिडेंट ऑफ प्रोब वाला, मतलब ब्राज़ील वाला, तो इन दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी आर्टिकल्स हैं। अब मैंने जब आपको एक हिंट दे दिया है, एक समझा दिया है कि ये टॉपिक्स क्या कैरी कर रहे हैं, तो जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो इजीली यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे वांट टू से। ओके, सो देखा आपने, अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है, न्यू स्ट्रेटजी जो शिफ्ट की जा रही है वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा अफगान पीस जो है उसके लिए इंडिया को दरकिनार करने का क्या कारण है, वो भी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। और क्योंकि इंटरनेशनल टॉपिक है तो आपको बिल्कुल उसको लेना होगा, इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड है ये, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको देख लेनी है एक बार, ठीक है। इसके अलावा अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ ट्रंप, ट्रंप के बारे में स्टडी दिया है जिसके अंदर COVID-19 के रिस्पांस के अंदर US के प्रेसिडेंट जो हैं जॉन डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने किस तरह के डिसीजंस लिए, साइंटिफिक एडवाइस जो है उसके बारे में बताया है और कई सारे उनके फॉलोज बताए हैं। उनको फॉलो करते हुए अगर हम बात करें, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आलोचना के तौर पे ट्रंप के बारे में स्टडी किया गया है इस आर्टिकल में। आप जब इसको रीड आउट करेंगे यू विल ईजीली लेट टू नो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस आर्टिकल को स्पेशली पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपके थॉट प्रोसेस को जनरेट करता है। अगर आप
ट्रम्प के बारे में देखिए, हम कई सारी चीज़ें आजकल न्यूज़ में, बहुत सी फेक न्यूज़ देखने को मिलती है, बहुत सी जो है रिलायबल न्यूज़ देखने को भी मिलती है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। तो हम वो डिसाइड कर लेते हैं जो हमें एंटरटेन कर रहा है ना। तो उस एंटरटेनिंग बिहेवियर से बचने के लिए एडिटोरियल्स आप में हेल्प करता है, आपकी हेल्प करता है, आपको वास्तविक स्थिति से अवगत करवाता है, ना कि मीम्स या जोक्स या हम कह सकते हैं जो र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं, उन सब चीज़ों से आपको बचा के और वास्तविक न्यूज़ या वास्तविकता प्रदान करता है और मुद्दे की गहनता को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसीलिए हम इन आर्टिकल्स को हमेशा डिस्कस करते हैं। और मेरा इन शॉर्ट डिस्कस करने का कारण यही होता है कि कुछ आर्टिकल्स में, एक या दो आर्टिकल्स को बहुत शॉर्टली डिस्कस कर लेती हूँ, तो उसका कारण यही होता है कि आप उसे ठीक से पढ़ें, आप समझें कि उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, उन आर्टिकल्स की एडिटर्स की थिंकिंग क्या है, और क्या ये थिंकिंग सही है या गलत है। ये सारी चीज़ें हमें इससे देखने को मिलती है आर्टिकल सेक्शन से। ठीक है, सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। दिस वाज आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी इशू है, कोई डाउट है, या आपको कुछ अच्छा लगा है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पुट कीजिए। इसके अलावा वीडियो बहुत पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में या डिकोड करने में इशू आता है। तो इसीलिए मैं हिंदू न्यूज़पेपर जो है बनाती हूँ, इस पर एनालाइज करती हूँ कि ये न्यूज़पेपर आपको हेल्प कर सके न्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में, और कई चीज़ों को मैं कोरिलेट करके और आपको एक टास्क दे देती हूँ। उसी तरीके से आज भी मैं आपको एक टास्क दे चुकी हूँ कि आपको ये जो है अफगान पीस एंड इंडियाज़ एल्बो रूम वाला पैराग्राफ पढ़ना है, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।